अमित शाह के बेटे का नाम भी सुना होगा, मोदी जी की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बहुत बड़ी सफलता हुई है। मैं बताता हूं आपको, बहुत जबरदस्त सफलता हुई है। एक कंपनी थी अमित शाह के पुत्र की कंपनी, उसमें 50,000 रुपए थे, 8-10 साल से चल रही थी। 2014 में स्टार्टअप इंडिया अनाउंस किया और उस कंपनी में जादू से 50,000 रुपए के 80 करोड़ रुपए बन गए। क्या जबरदस्त मेक इन इंडिया हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ, मगर गुजरात के किसानों को, छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, मोदी जी ने कहा था, याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से, ना खाऊंगा ना। अब अखबार में आया है कि अमित शाह जी के बेटे ने 50,000 रुपए के 80 करोड़ बना दिए महीनों में, और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा है नरेंद्र मोदी जी के मुंह से। अच्छा, कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा हूं, मैं देश का चौकीदार बन रहा हूं। चौकीदार अब इतने शांत क्यों है, चुप क्यों है? चौकीदार के सामने चोरी हुई है 80 करोड़ रुपए, 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए बन गए। मगर नरेंद्र मोदी जी अब बिल्कुल चौकीदार हिंदुस्तान के बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, एक और सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मुझे आप बताओ, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं तो गुजरात में डीजल पेट्रोल के दाम महंगे कैसे हो रहे हैं? और अगर महंगे हो रहे हैं तो क्या किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को फायदा हो रहा है या किसी और को? ये कौन लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है? 10 लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने 1,30,000 करोड़ रुपए पिछले साल माफ करके दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों का कर्जा माफ हुआ? छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ हुआ? छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ हुआ? स्मॉल बिजनेस का कर्जा माफ हुआ? सिर्फ 10 लोगों का। और नाम आप जानते हो, नाम जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 10 लोगों का, उद्योगपति कह लो, मित्र कह लो, उनके पता नहीं नाम आप जानते हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी आएगी तो शुरुआत हमारी गरीब जनता से होगी। आज गरीब जनता को गुजरात में आपके लिए ना अस्पताल के दरवाजे खुले हैं, ना यूनिवर्सिटी कॉलेज के दरवाजे खुले हैं। चालू हुआ, कांग्रेस पार्टी आएगी एकदम अस्पताल और यूनिवर्सिटी कॉलेज के दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे, जिसके लिए आपको आज लाखों रुपए देने पड़ते हैं। वो सरकार का काम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देने का होता है। सरकार का काम जनता से जमीन छीनने का, जनता को स्कूल में भेजने के लिए लाखों रुपए लेने का,
अस्पताल में भेजने के लिए लाखों रुपए का नहीं होता है। और हमारी सरकार आएगी, आपकी सरकार होगी, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, छोटे दुकानदारों की, किसानों की सरकार होगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो यहाँ है, मैं जानता हूँ आप 22 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हो। मैं ये बात बोलूंगा नहीं, कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार आएगी और जो हमारे चुनाव लड़ेंगे, जो भी हमारे चुनाव लड़ेंगे, पहले कांग्रेस कार्यकर्ता से पूछ कर लड़ेंगे। आप सब यहाँ आए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।